हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मंजुलाज रेसिपी। आज की रेसिपी कुछ खास होने वाली है। ये पनीर से भी ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बनने वाली है। अगर आपके घर पे मेहमान आ जाएं तो एक अलग सी रेसिपी उनको बनाकर खिलाइएगा, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इस रेसिपी को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। घर पे सब्जी ना हो तो ये पनीर से भी ज़्यादा टेस्टी सब्जी एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम ये मसाला पापड़ से सब्जी बनाएंगे। सबसे पहले हम पापड़ ले लेंगे, उसको हम पानी में भिगो देंगे ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और उसको हम प्लेट में रख लेंगे। हम अलग अलग ही रखेंगे वरना ये चिपक जाएंगे। तो ये सारे पापड़ मैंने भिगो दिए हैं और रख दिए हैं, अब इन्हें अलग अलग रख लेंगे हम। और इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। एक बाउल में हम एक कटोरी बेसन लेंगे, उसमें एक चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच अमचूर पाउडर, सौंफ एक चम्मच ले लेंगे, और अजवाइन को एक चम्मच हम क्रश करके डालेंगे, और मेथी, कसूरी मेथी ले लेंगे, और लास्ट में हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। इन सब मसालों से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। और मिर्च तो कश्मीरी लाल मिर्च है तो कलर के लिए हो गई। उसके बाद हम इसमें पानी मिलाकर इसका एक अच्छा सा घोल तैयार करेंगे। बहुत पतला नहीं बनाना है हमें। देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ, आप भी इसी तरह से घोल बना लीजिएगा। अब जो हमने पापड़ भिगो के रखे थे, एक पापड़ लेंगे, उसमें इस पेस्ट को डालेंगे, उसे अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ। पापड़ पानी में भिगोने की वजह से अच्छा सॉफ्ट हो गया है, तो हम इसे हल्के हाथों से पूरे उसमें ये पेस्ट लगा लेंगे। अब दूसरा पापड़ इसके ऊपर ढक करके इसको थोड़ा सा दबा के हम एक साइड से घुमाते हुए इसका एक रोल तैयार कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है और फटाफट बनती है। घर में अगर कोई सब्जी ना हो और मेहमान आ जाए तो आप इस सब्जी को आसानी से बना सकते हैं। तो बस इसी तरह से हम सभी पापड़ों में पेस्ट लगाकर रोल बना के तैयार कर लेंगे। और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को पूरा देखिए। अभी सारे रोल मैं तैयार कर लिए हैं पापड़ और बेसन के, ये आसानी से बन जाते हैं। देखिए तैयार हो गए हैं। अब हम एक स्टील की जाली लेंगे, हमें इन्हें स्टीम देनी है इसलिए उसमें हम तेल लगा के उसे ग्रीस कर लेंगे। और ये जो रोल हैं इन्हें हम एक एक करके थोड़ा सा दूरी में एकदम चिपका के नहीं रखेंगे वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। अब हम स्टीम देंगे इसे। कढ़ाई में मैंने पानी रख लिया है, जाली रख के ढक्कन लगा के 10 मिनट तक हम इसे मीडियम आंच में स्टीम देंगे। देखिए 10 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे कि बिल्कुल पक गए हैं। अब इसे हम ढक्कन लगा के ही ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक कढ़ाई में तेल डालेंगे एक चम्मच सरसों का, उसमें हम जीरा डालेंगे एक चम्मच, और आधा चम्मच हम एक चौथाई चम्मच हींग डालेंगे। हींग आप अपने टेस्ट से डाल लो, अगर आपको अच्छा लगता तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च का भी यही है, मैंने 2 हरी मिर्च ली हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और मैंने 2 बारीक कटे प्याज ले लिए हैं, प्याज को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, तो इसको हम भून लेंगे। तेल हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, एक चम्मच तेल में बन जाएगी। अब एक चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको हम मीडियम आँच में भूनेंगे। अब हम 2 टमाटर को भी, बारीक कटे हुए जो टमाटर डालेंगे उनको भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, तो उसको भी बारीक कटे हुए टमाटर, आप इसका प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं, पर ये जब ऐसे टुकड़े से आते हैं तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पापड़ में भी नमक रहता है हमारे पापड़ में। अब हम इसमें धनिया एक चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम हल्की आंच करके ढक्कन लगा करके टमाटर गलने तक पकाएंगे। 5 मिनट बाद हमारे टमाटर पक जाएंगे। ये देखिए टमाटर गल गए हैं। अब हम इसमें इसको अच्छी तरह से गलने के बाद 3 चम्मच फेटी हुई दही डालेंगे, और दही डालते समय हम गैस बंद कर लेंगे क्योंकि अगर दही हम गैस जली हुई में डालेंगे तो ये फट जाती है दही, तो इसलिए गैस बंद करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसमें जितना हमें ग्रेवी बनानी है उतना पानी डाल लेंगे और फिर गैस ऑन कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम आंच में। उसके तब तक हम जो हमने रोल बनाए थे वो ठंडे हो गए हैं, उन रोल्स को हम कट कर लेंगे। ये बहुत आसानी से कट हो जाते हैं, देखिए अंदर तक पक गए हैं।
आपको जितना भी साइज़ का बनाना है उस हिसाब से रोल को कट कर लीजिए। ये देखिए, इस स्वाद में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे ऐसे ही भी कट करने के बाद फ्राई कर लें और इसे चाय के संग स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। लेकिन आज मैं इसकी सब्जी बना रही हूँ, तो इसकी ग्रेवी वाली सब्जी बन रही है। अभी हमारी ग्रेवी पक गई है, इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला लास्ट में डालेंगे ताकि इसकी खुशबू बनी रहे। ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम इसमें जो हमने पापड़ के टुकड़े बना के रखे हैं उनको डाल देंगे। ये देखिए, ये हो गए हैं। हम इन्हें अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको हल्की आँच में ही 2 मिनट तक ढककर और पकने देंगे, क्योंकि ये जो ग्रेवी है वो हमारे जो पापड़ के टुकड़े हैं उनमें अच्छी तरह से अंदर तक एब्जॉर्ब कर ले हमारे पापड़। फिर ये देखिए, तैयार हुई हमारी सब्जी, बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। हम इसको चावल के संग, रोटी के संग, पराठों के संग, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है। ये राजस्थान की पापड़ वाली फेमस सब्जी है, लेकिन मैंने इसमें बेसन डाल के इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बेसन से इस सब्जी का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप एक बार इसे घर पे जरूर बनाएं, आपके घर में सबको ये बहुत पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।